एप्पल अपने इवेंट में काफी सारी नई चीजों को लॉन्च करा है। सबसे पहले एप्पल टीवी प्लस, जो इंडिया में कोई यूज करता नहीं, उसके साथ एक पार्टनरशिप करी गई है फ्राइडे नाइट बेसबॉल के साथ। इसके साथ साथ कई सारे एप्पल ने नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया है। एक नया आईफोन, एक नया आईपैड, एक नया मैक स्टूडियो मशीन और एक नया स्टूडियो डिस्प्ले और काफी तगड़े वाले प्रोसेसर भी हैं। सारी चीजें एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आईफोन 13 सीरीज में दो नए कलर्स को ऐड किया गया है, एक है ग्रीन और एक है एल्पाइन ग्रीन। ये आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 ये दोनों में अवेलेबल है। वैसे इसे मार्च 18 से अवेलेबल कराया जाएगा। अब अगली जो चीज है आईपैड एयर 5। पहले के जो एप्पल के आईपैड है उससे ये काफी पतला है और थोड़ा कैमरे में भी अपडेट करा गया है। एक चीज है जो इसे और भी तगड़ा बनाती है, इसमें लगा है M1 चिप जो काफी तगड़ी चिप है। एप्पल अपने मैकबुक में इस चिप का यूज करती है। भाई इस चिप से काफी नेक्स्ट लेवल चीजें करी जा सकती है। चीजें जितनी एडवांस होगी तो उनकी कॉस्ट तो बढ़ेगी और इसकी जो प्राइस है $599, इंडिया में ये पड़ेगा 45,000-46,000 के आसपास। काफी डिस्काउंट वगैरह काट गए और कम में भी मिल सकता है। ये मार्च 18 से अवेलेबल कराया जाएगा। अब अगली चीज है iPhone SE। इसमें अभी भी वही डिजाइन है आईफोन 8 वाला, बट बैटरी थोड़ी इंप्रूव करी गई है और बाकी सारी चीजें सिमिलर है। बस इसमें A15 बायोनिक चिप ऐड करी गई है जो अभी तक की लेटेस्ट चिप है। इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल होने वाली है। प्राइस इसका $429, इंडिया में ये आपको पड़ेगा 32,000-33,000 के आसपास। अब जो नेक्स्ट वाली चीज है वो काफी तगड़ी है। एप्पल ने अपना एक नया मैक स्टूडियो निकाला है। ये एक छोटे फॉर्म फैक्टर वाली मशीन है, देखने में पूरी एल्युमिनियम बॉडी है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, काफी नॉर्मल सा साइज है। काफी बड़े बड़े कंप्यूटर आते हैं, काफी बड़े बड़े सीपीयू भी आते हैं और ये इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में भी बेटर परफॉर्मेंस दे देगा। इसमें काफी सारे पोर्ट भी हैं, USB-A, USB-B, थंडरबोल्ट, SD कार्ड का भी स्लॉट है, 10 GB तक का इथरनेट देखने को मिलेगा जो काफी तगड़ी चीज है। इसके अंदर पूरा सिस्टम कूलिंग के अराउंड रखा गया, ऊपर भी कूलिंग नीचे भी कूलिंग, भाई ठंडा ठंडा कूल। 27 इंच वाले iMac से मैक स्टूडियो 2.5 टाइम ज्यादा फास्ट है। 128 GB तक की यूनिफाइड मेमोरी है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट मेमोरी है। 8 TB तक की स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं। ये मैक स्टूडियो दो वेरियंट में अवेलेबल है। M1 मैक्स वाला वेरियंट $1,999 से स्टार्ट होता है, $1,54,000 के आसपास, और M1 अल्ट्रा वाला वेरियंट $3,999 से स्टार्ट होता है, यानी $3,70,000 के आसपास। एप्पल चिप की बात करें तो एक है एप्पल M1, एक है एप्पल M1 प्रो और एक है एप्पल M1 मैक्स। अब एक नया M1 अल्ट्रा निकाला गया है। M1 मैक्स काफी तगड़ा प्रोसेसर है और उसी चिप को डबल करके सिंगल M1 अल्ट्रा बनाया गया है और वो एक कंप्यूटर में डाला गया है और ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाला है। अब अगली चीज है एप्पल का नया स्टूडियो डिस्प्ले। ये पूरे एल्युमिनियम फ्रेम वाला मॉनिटर है, काफी पतले फॉर्म फैक्टर में और काफी तगड़े स्पीकर्स के साथ आ रहा है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी लगाया गया है, ये सेम कैमरा जो आईपैड में लगा है। मॉनिटर के अंदर एक A13 बायोनिक चिप अटैच करी गई है। 27 इंच का 5K रेटिना डिस्प्ले है, 3 माइक है, 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, 3 USB Type-C पोर्ट है और एक थंडरबोल्ट पोर्ट है और ये काफी तगड़ी डिस्प्ले है जो एप्पल ने लॉन्च करी है। इसका जो प्राइस है वो है $1,599, यानी $1,23,000 के आसपास। इसे भी मार्च 18 से अवेलेबल कराया जाएगा। काफी मजा आया एप्पल के इस इवेंट में, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। आई होप आपको भी ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगी होंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।